अवनीश पूरी जानकारी दीजिए, क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, जब शिवपाल यादव आज देर शाम मुलाकात करने के लिए गए थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, करीब 7:15 बजे के आसपास वो पहुंचे थे और तभी उनके पास वो इस्तीफा था। उससे पहले उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, अपनी बात उन्होंने उनके सामने रखी और उन्होंने कहा कि वो मंत्रिमंडल और जो संगठन का काम है, दोनों कामों को लेकर के उनके सामने जो प्रस्ताव है, उन प्रस्तावों को देखते हुए वो संगठन का काम करना चाहेंगे, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो ज्यादा बेहतर मानते हैं अपने लिए काम करने के लिए, और पार्टी चुनाव में जाना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा, नेताजी से उस पर अपनी राय ली और उसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री आवास गए, जहाँ करीब 12-13 मिनट वो रुके होंगे वहां पर, और उन्होंने अपना इस्तीफा उसी समय मुख्यमंत्री को सौंप दिया था, जिसका औपचारिक ऐलान उससे थोड़ी देर पहले हुआ है। शिवपाल यादव ने जो मंत्रिमंडल अखिलेश मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, कुछ दिनों पहले उनसे पीडब्ल्यूडी, राजस्व और लोक निर्माण जैसे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो वापस ले लिए गए थे, जिसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर सरकार के अंदर गतिरोध बना हुआ था। अब लगता है कि इस इस्तीफे के बाद जो है पार्टी में कहीं ना कहीं एक आम राय बन सकती है, हालांकि अभी भी गतिरोध बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर शिवपाल यादव होंगे और ये हो सकता है कि कल वो अपना पदभार भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ग्रहण कर ले। नहीं अवनीश, अभी तक की तो एक खबर थी कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव में बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण 10-15 मिनट की मुलाकात चाहे हुई है, मुलाकात अच्छी हुई है, लेकिन एकदम से क्या हो गया ये अखिलेश मुलायम की मुलाकात के बाद? इसका मतलब मुलायम ने पूरा एज ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है और पूरी कोशिश मुलायम सिंह यादव की है कि उन्हीं के हिसाब से चीजें चले, क्योंकि कार्यकर्ता निराश और पार्टी की बदनामी और थूथू हो रही है। देखिए, इस बार शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों कुछ मुद्दों को लेकर के काफी रिजिड थे और वो दोनों अपने जो उनका निर्णय था उस पर झुकने को नहीं तैयार थे, और शायद यही वजह है कि ये तय हुआ बाद में कि फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे शिवपाल सिंह यादव और वो पार्टी संगठन का काम यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो उनके सामने जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को संभालेंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव अपना कामकाज करेंगे और मंत्रिमंडल में जो उन्होंने अपने अभी मौजूदा फेरबदल किए हैं उसके लिहाज से वो काम करेंगे। तो अब ये देखना है कि इसको लेकर के आगे पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर क्या कुछ रिएक्शन आने हैं। फिलहाल एक कदम आगे बढ़ करके अब शिवपाल यादव ने अखिलेश मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। अवनीश, अभी भी मुलाकात जारी है मुलायम अखिलेश की, किसने ये औपचारिक ऐलान किया ये भी बताइए हमें। देखिए, किसी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन शिवपाल यादव के कैंप से ये जानकारी पुष्ट की गई है कि जब वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे वो अपना इस्तीफा लेकर गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा उनको उसी समय वहां पर दे दिया। दूसरा ये कि अखिलेश यादव देर शाम जो है अपने निजी आवास यानी जहाँ मुलायम सिंह यादव रहते हैं उसी आवास में अखिलेश यादव भी रात्रि विश्राम करते हैं, वो वहीं वापस आए थे और वहीं पर वो इस वक्त भी मौजूद हैं और कल सुबह एक आगे के अपडेट्स हैं, कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के, अब उनमें देखना है किस तरीके से क्या कुछ प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की ओर से आती है। फिलहाल शिवपाल यादव के मामले में ये कंफर्मेशन आ गई है, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गतिरोध बना हुआ था और ये नाराजगी और बढ़ गई जब मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हटाते हुए उनको शिवपाल यादव को इसकी जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो उनसे वापस लेकर के सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों को जो मुलायम सिंह यादव के ही बेहद करीबी थे उनको सौंप दिए थे। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि सबसे पहले तमाम राजनीतिक घटनाक्रम तेज होता चला जा रहा है, एक दो धड़े पार्टी में बढ़ गए थे, एक शिवपाल का और दूसरा अखिलेश यादव का, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, आजम खां हो, हर कोई बयानबाजी जो दे रहा था वो यही दे रहा था कि मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े हैं, उनका फैसला माना जाएगा, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को लेकर दो हिस्सों में पार्टी बढ़ गई थी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, आजम खां हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक अलग गुट था, कार्यकर्ता डिवाइडेड हो रहे थे, गफलत की स्थिति थी, मुलायम ने लीड लिया, लगातार लंबे समय से बैठकों का दौर जारी है, तमाम चीजों के बीच में नरेश अग्रवाल पार्टी के सांसद और महासचिव भी है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी चाहिए, ये जो मुलाकात अभी हो रही है अखिलेश मुलायम की ये कल होनी थी लेकिन कल की मुलाकात को स्थगित कर आज ही चीजों को निपटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जल्दी से जल्दी चीजों को निपटाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में अब ये सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव ने इस्तीफा दे दिया है, अखिलेश यादव को इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अवनीश हमारे साथ बने, अवनीश अभी क्या चल रहा है 5 कालिदास मार्ग पर, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जो बैठक है उसके बाहर कौन कौन है, लोग क्या बोल रहे हैं, किसकी मानी गई है और किसकी नहीं चली है, इससे क्या माना जाए? देखिए, अभी भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, बहुत सारे मामलों को लेकर के अभी भी गतिरोध बना हुआ है, अलग अलग पार्टी के जो धड़े हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के अभी भी दबाव बना रहे हैं।
जहां तक उन दो मंत्रियों को जिनका इस्तीफे से ये पूरी जो पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था उनकी ओर से भी लगातार दबाव पार्टी पर है कि उनको वापस लिया जाए मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जिन अधिकारी को हटाया गया था उनकी ओर से भी दबाव है। तो अलग अलग जगहों से पार्टी में पार्टी नेतृत्व पर दबाव है और उन दबावों के बीच तमाम सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। आज सुबह जिस तरीके से रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिए थे, फिर शिवपाल यादव लखनऊ पहुंचे, उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी और कहा कि नेताजी जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। अचानक देर शाम जो है मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं शिवपाल यादव, इनका कोई कार्यक्रम पहले से तय नहीं था उनसे मुलाकात का। मुलाकात होती है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर वहां से निकलते हैं 15 मिनट के बाद वो सीधे जो है अपने आवास जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो निकल करके वहां से 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आवास जाते हैं और वहां जाकर के अपना इस्तीफा वो उनको सौंपते हैं। तो ये 12-13 मिनट ये मुलाकात चलती है। उस समय कोई भी स्टाफ का आदमी, कोई भी कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का वो उस मुलाकात के दरमियान आसपास भी नहीं रहता, सबको बाहर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर शिवपाल यादव वहां से निकल कर सीधे अपने आवास पे आ जाते हैं। तो अब ये पूरा घटनाक्रम है। कल आज का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था शिवपाल यादव का वो देख के लग रहा था कि वो पार्टी संगठन की जिम्मेदारी को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाले और उसी जिम्मेदारी को उन्होंने पसंद किया और शायद इसीलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सामने अपना पक्ष रखते हुए उनसे सहमति ली, क्योंकि वो उनकी बगैर सहमति के अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते और इसीलिए बार बार जब ये बातें होती थी कि वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि परसों से ही जब से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था तब से बार बार ये बात आ रही थी कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं जिस तरीके से उनके विभाग उनसे वापस लिए गए हैं। तो इसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे और अब जाकर के मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद जो है शिवपाल यादव ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दिया। अब आगे एक राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से होता है, कल मुलाकात भेंट किस तरीके से होती है, पार्टी के अंदर क्या संवाद होता है, क्योंकि सारा कुछ परिवार के अंदर है, परिवार के अंदर ही सारे मसले जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर ये नहीं सुलझेंगे तो पार्टी की आने वाली चुनावी संभावनाओं को लेकर काफी इसको लेकर के झटका मिलेगा। शायद बिल्कुल पूरी यहाँ पर प्रायोरिटी अवनीश ये थी कि पार्टी में जो अंदर खींचतान मची हुई है खासतौर पर परिवार के कारण जो मतभेद है उसको सुलझाया जाए और चुनावी मोड में आया जाए, सक्रिय रहा जाए। तो अवनीश क्या ये माने कि दोनों के चलिए, क्योंकि आप बता रहे कि शिवपाल अब नहीं, इतने विभाग छीनने के बाद अब वो नहीं चाह रहे थे कि मंत्री पद पर वो कंटिन्यू करें, संगठन में पुरजोर जान लगा और अखिलेश जो चाहते थे वो भी हो गया, तो मुलायम ने दोनों पक्षों को बैलेंस किया है क्या? नहीं देखिए, अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस पूरे मामले में संवाद जिन जो दो शीर्षस्थ लोगों में बातचीत होनी है वो बातचीत अभी औपचारिक रूप से नहीं हो पाई है। अनौपचारिक रूप से मुलाकात होना, चूंकि दोनों एक ही आवास में रहते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर किसी मुद्दे पर बैठक के स्वरूप में कोई मुलाकात अभी मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव की भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक उन दोनों के बीच मुलाकात नहीं होगी, ये बात रामगोपाल यादव भी सुबह से लगातार कह रहे थे कि जब तक इन दोनों की मुलाकात नहीं होगी तभी ये जाकर के पूरा गतिरोध समाप्त होगा। तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा होनी है, उन्हीं के नाते पार्टी में एक्शन का रिएक्शन हुआ और उसी का नतीजा हुआ कि ये गतिरोध की स्थिति जो है वो पार्टी में सामने आई। अब शिवपाल यादव के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है, मुलायम सिंह यादव किस मुद्दे को लेकर के अड़ते हैं या उस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए वो सीधे तौर पर सबको एक साथ बिठाते हैं, क्योंकि आज रामगोपाल यादव भी लखनऊ में थे और अचानक मुलायम सिंह यादव के लखनऊ लैंड करते ही वो यहां से वापस एफआई की तरफ चले जाते हैं। तो अभी परिवार एकजुट नहीं हो पाया है, एक जगह नहीं बैठ पाया है और शायद इसीलिए मतभेद जो है बजाय इसके कि वो समाप्त हो वो और भी गहराते जा रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव से विवादों के चलते अब शिवपाल यादव झुक गए हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल से पूरा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में ये पूरा इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा हुआ है अखिलेश और मुलायम की उस मुलाकात के बाद। और अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जो पूरा इस्तीफा हुआ है उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे, शिवपाल यादव ने मंत्री एक विभाग उनके पास है समाज कल्याण वो भी विभाग दे दिया है, अखिलेश यादव की यहाँ पर चली है। और अभी भी अवनीश से अपडेट लेते हैं, अवनीश अभी भी मीटिंग चल रही है क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की? नहीं देखिए, उनकी बैठक नहीं चल रही है और फिलहाल अभी स्थिति ये है कि शिवपाल यादव ने अपना जो इस्तीफे का उसका ऐलान कर दिया, कंफर्मेशन उसकी हो गई। मुख्यमंत्री भी अब अपने निजी आवास में जहां मुलायम सिंह यादव भी रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग स्थित उस आवास में दोनों ही चले गए हैं। अब जो कुछ भी घटनाक्रम होगा इसमें आगे कल हो पाएगा, कल मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ में है, शिवपाल यादव भी लखनऊ में है, अखिलेश यादव भी लखनऊ में है। तो अब राजनीतिक गतिविधियां पार्टी के अंदर क्या कुछ होती है कि तमाम सारे नेताओं कार्यकर्ताओं की डिमांड भी अलग अलग मुद्दों पर आ रही है, अलग अलग राय भी सामने आ रही है,
तरह से नरेश अग्रवाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना बहुत जरूरी है इन हालात में, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी को बुलानी चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए कि सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव में जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब कवायद चलेगी और रामगोपाल यादव की आज दिन में लंबी बैठक चली मुख्यमंत्री के साथ और कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन जो डिफरेंसेज हैं उन मुद्दों पर हल क्या निकलेगा इस पर अभी भी किसी की कोई बात नहीं हो पाई है। ये बात सही है कि बात बार बार कही जा रही है कुछ मध्यस्थों के नाते मामला बिगड़ा है, इसीलिए शायद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या शिवपाल यादव नहीं चाहते कि इस मामले में कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में सामने आए और विवाद और सुलझने की जगह और उलझ जाए। अवनीश, क्या ये भी गाय बगाय खबरें आ रही है कि अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया है क्या? नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा उन्होंने अखिलेश यादव को सौंप दिया है। इसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव से भी सहमति ली और उसी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। वो संगठन में काम करना चाहते थे, आज दिन में भी जो प्रतिक्रिया उनकी आई थी बार बार वो इस बात को फोकस कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का क्या होगा, ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, बाकी नेताजी जो निर्णय लेंगे वो करेंगे, वो चाहते हैं कि वो संगठन में काम करें, पार्टी के लिए काम करें, ग्राउंड पर जाकर काम करें। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि संगठन में काम करने से जो उनकी अपनी छवि है, कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ है, उसको लेकर के ज्यादा बेहतर स्थिति होगी और शायद इसीलिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद को जो है अपने साथ रखना बेहतर समझा और मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि शिवपाल यादव ने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया है। शिवपाल ने रिजिग्नेशन भेज दिया है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में इस्तीफा दिया गया है। पूरी कोशिश है कि पार्टी में जिस तरीके की आंतरिक कलह चल रही है, परिवार में नाराजगी है, वो उभर कर इस तरीके से सामने ना आए कि विरोधी उस पर चुटकी ले और चुनावी मोड से समाजवादी पार्टी पीछे हो जाए। तो अखिलेश यादव से विवादों के चलते सीएम अखिलेश यादव को शिवपाल यादव का इस्तीफा दिया है। एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों का, यानी कि समझिए कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की बैठक में अखिलेश यादव की चली है, क्योंकि अब जो अपडेट हमारे पास आ रहा है वो बहुत बड़ा अपडेट है। वो ये है कि शिवपाल यादव ने ना मंत्री पद से सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि संगठन के प्रभार भी वो नहीं संभालेंगे, संगठन की कमान भी वो नहीं लेंगे। शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसके अलावा प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेंथ वाली पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। विवेक, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यानी कि अखिलेश की चली है, मंत्री पद भी गया, संगठन की कमान भी गई, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, कारण के बारे में अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये बात सही है कि मुख्यमंत्री से जब वो मिलकर लौटे हैं, ये सारा डेवलपमेंट उसके बाद का है। उन्होंने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भिजवा दिया है और ये भी आपको बता दें कि जो मंत्री के रूप में उनको सुविधाएं मिली थी वो भी वापस कर दी है, सारी जो सिक्योरिटी थी वो भी वापस कर दी है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो उनका सरकारी आवास मंत्री के तौर पर मिला था वो भी कल किसी वक्त वो खाली कर सकते हैं। अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफा उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भेजा है और ये अनुरोध किया कि वो एक साधारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम करेंगे। तो ये इस वक्त की काफी बड़ी और चौंकाने वाली खबर है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब ये समझा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद वो अचानक घर पर आए और घर पर आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो सारे पदों से इस्तीफा देंगे, जो भी उनके मंत्री पद थे और जो प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बनाया है उससे भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और अब देखना है कि अब मुलायम सिंह यादव इसमें क्या करते हैं और जो सारी जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो किसके पास जाता है और बहुत सारी चीजें जो क्राइसिस खत्म होती नजर आ रही थी वो अचानक दोगुनी रफ्तार से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि शिवपाल की नाराजगी कहीं ना कहीं संगठन पे भी भारी पड़ सकती है, सरकार पे भी भारी पड़ सकती है, इलेक्शन पर भी उसका असर पड़ सकता है। विवेक, अभी तक तो था कि गले मिले हैं शिवपाल अखिलेश, सौहार्दपुर मीटिंग हुई है, तो क्या शिवपाल को पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे मुलायम सिंह यादव से जो मीटिंग में कि आपको ये करना है, और अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स धीरे धीरे देखने को मिलेंगे शिवपाल की नाराजगी के रूप में? देखिए, जब वहां से शिवपाल लौटे हैं, वहां पर मुलाकात हुई, तो जो सूत्र बता रहे हैं कि ये उसके बाद डेवलपमेंट है कि शिवपाल ने अपना इस्तीफा दिया है, दोनों ही पदों से, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दिया है। इसकी क्या कारण है, अचानक क्या ऐसी बात हुई, ये फिलहाल अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन इतना शिवपाल के करीबी सूत्रों ने कन्फर्म कर दिया है कि उन्होंने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, अनुराग चड्ढा हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ बने। अनुराग, दिन भर दिल्ली में माथा पच्ची हुई है, बैठक हुई है, दो फाड़ पार्टी में देखने को मिले, किसी बाहरी के भारी होने के संकेत दिए गए, फिर लखनऊ में बैठक हुई। अब शिवपाल पहले सौहार्दपुर मीटिंग करते हैं, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा देते हैं, फिर उसके तुरंत 10 मिनट बाद खबर आती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद को भी क्विट कर चुके हैं जो एक दिन ही उन्हें मिली थी। इसके पीछे की बड़ी वजह, कारण क्या है, क्या सूत्र कह रहे हैं आपके?
देखिए निहारिका, अभी तक जो समाजवादी पार्टी में लड़ाई चलती थी, मुलायम सिंह यादव मैनेजमेंट करके सभी पक्षों को संतुष्ट कर देते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुलायम सिंह यादव का भी मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है। कल जब दिल्ली में शिवपाल सिंह यादव मिले थे मुलायम सिंह यादव से, उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव बाइट दी थी, मीडिया से आके कहा था कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और अब वो प्रदेश अध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी मिली है तो वो काम करेंगे। लेकिन हम लगातार जो आपकी खबर चला रहे थे कि शिवपाल सिंह भले ही कैमरे पर कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उनका जो मुंह है, उनका जो फेस है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कुछ और दर्शाती है। और हमें ये सूत्रों से खबर मिली थी कि मुलायम सिंह यादव ने उनको भरोसा दिया कि जो आपका मान सम्मान है उसको लौटाया जाएगा, तो उसी के चलते आज वो लखनऊ गए, मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की। उन्हीं के कहने पर जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर पर भी गए, तो मुलायम सिंह ने उनसे ये भी कहा था, मेरे जो बिल्कुल पुख्ता सूत्र है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से घर जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ मना कर दिया कि वो शिवपाल यादव के घर नहीं जाएंगे। फिर मजबूरी में शिवपाल यादव को ही सीएम के पास जाना पड़ा। यानी कि अनुराग, वो मन की मुलाकात नहीं थी, मजबूरी की मुलाकात थी, शिवपाल ने फैसला कर लिया था और मुलायम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल निहारिका, मुलायम सिंह को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का सम्मान रखेंगे और शिवपाल के जो मंत्रालय है वो लौटा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये शिवपाल के सामने शर्त रखी कि मंत्रालय इसी शर्त पर वापस होंगे जबकि आप प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस कर देंगे। तो सीधे वहां पर डीलिंग हो रही थी, मंत्रालय मिलेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष पद आपको छोड़ना पड़ेगा, तो शिवपाल वहां पर बिल्कुल निकल गए और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने कुछ खरी खोटी सुनाई। बाद में मुख्यमंत्री का ही मूड खराब हो गया, जो कुछ भरोसेमंद सूत्र हैं मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जैसे ही शिवपाल यादव अब वहां से निकले तो मुख्यमंत्री का थोड़ा मूड खराब हो गया, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके बाद ठीक है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी में सब कुछ ऑलवेज ऑल इज वेल नहीं है, समाजवादी पार्टी में घमासान पूरी तरीके से बढ़ गया है, यानी कि शिवपाल यादव अब चाहे पार्टी हो या फिर संगठन हो उससे अब दूर हो गए हैं। मंत्री पद से इस्तीफा, अखिलेश यादव को इस्तीफा सौंप दिया है और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद ये जो एक दिन का उन्हें मिला था उससे भी उनका इस्तीफा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। परिवार की लड़ाई सतह पर आ गई है और समाजवादी पार्टी में घमासान कह सकते बढ़ गया है। शिवपाल यादव अब उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि उनकी नाराजगी के रूप में किस तरीके से पार्टी आफ्टर इफेक्ट्स इसके झेलती है देखने वाली बात।